इंग्लिश की तालीम इस तरह से उनके अंदर जाहिर है कि ये दुनिया उनके लिए आसान हो जाए। देखिए, इंग्लिश हासिल करने का मकसद जो हमारा सिर्फ है, और हमारा मकसद जो अपने बच्चियों को इंग्लिश की तालीम देने का जो मकसद, वो सिर्फ ये है कि वो दुनिया में सर उठा के ले सके। आपके पास अगर इंग्लिश बोलने की तालीम नहीं है, इंग्लिश समझने की तालीम नहीं है, लिखने की तालीम नहीं है, इल्मी एतबार से खास तौर से अंग्रेजी में अगर हमें कोई शऊर नहीं है, तो ये दुनिया ऐसे ही धक्के मारेगी जैसे रास्ते में कोई पत्थर को मार दिया जाता है। आप यकीन मानिए, इतना ज्यादा वजन बनता है आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनैलिटी का, जब आप कहीं दो जुमले दो शब्द आप अंग्रेजी में बोल देते हैं, फौरन सामने वाले का रवैया बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, उसके गुफ्तगू करने का अंदाज बदल जाता है। आने वाले हमारे बच्चों का जो वक्त है, या इस वक्त अभी तो बड़ी गनीमत है, गांव देहात में आप देख रहे हैं कि उतना ज्यादा ये गांव देहात अभी मुतासिर नहीं हुआ है कि बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कि अभी बात हुई कि जैसे ही आप इस गांव देहात से आप बाहर निकलेंगे, फौरन इसकी जरूरत आपको पेश आनी है।